आप सभी को प्रणाम करते हुए, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं अगले कवि को आपके बीच में सौंप रहा हूं, जो कि सोजत की मिट्टी से हमारे बीच में भाई अब्दुल समद राही उपस्थित हैं, जिन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिल चुका है, ढेर सारे सम्मान जिन्हें मिल चुके हैं, जो साहित्य के सिद्ध हस्त कलमकार है और 20 से अधिक किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। बहुत बहुत अभिनंदन, तालियों से इनका करें भाई अब्दुल समद राही। बहुत बहुत शुक्रिया भाई श्रवण सुन्नी साहब। मैं बिना किसी भूमिका के चार मिसरे आपके सामने पेश कर रहा हूं कि पाक है वो जात, वाह रब्बे इलाही, क्या बात, पाक है वो जात रब्बे इलाही, और मैं नाचीज बंदा हूं अब्दुल समद राही, मैं नाचीज बंदा हूं अब्दुल समद राही। और शेर देखिए साहब के, तू वो दाता है जो कांटों को गुले तर कर दे, तू वो दाता है जो कांटों को गुले तर कर दे, और एक भिखारी को मुकद्दर का सिकंदर कर दे, और राही क्या है फकत बहरे अदब का कतरा, तू चाहे तो कतरे को समंदर चाहे तो कतरे को समंदर कर दे। चार और मुलायजा फरमाए साहब के, जो मैंने अपने हुनर के लिए कहे साहब, मुलायजा फरमाए कि मेरे जो काम है, मेरे जो काम हैं जमाने के लिए हैं, वाह मेरे जो काम हैं जमाने के लिए हैं, और पत्थर जो तोड़ता हूँ घर बनाने के लिए हैं, वाह मेरे जो काम हैं जमाने के लिए हैं, और पत्थर जो तोड़ता हूँ घर बनाने के लिए हैं, और जिस्म जां लहू का कतरा कतरा, वाह वाह जिस्म जां लहू का कतरा कतरा, हिफाजते वतन पे लुटाने के लिए है, हिफाजते वतन पे लुटाने के लिए है, जिस्म जां लहू का कतरा कतरा, हिफाजते वतन पे लुटाने के लिए। और एक शेर और मुलायजा फरमाए साहब के, जमाने के लिए मसहले ईमान बन जाओ, वाह जमाने के लिए मसहले ईमान बन जाओ, और जरूरी है दोस्तों इंसान बन जाओ, जमाने के लिए मसहले ईमान बन जाओ, और जरूरी है दोस्तों इंसान बन जाओ, और वतन के वास्ते कुर्बान कर दो जिंदगी अपनी, वतन की शान बन जाओ, वतन की जान बन जाओ, वाह 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 वाह, वतन की शान बन जाओ, वतन की जान बन जाओ। और एक मुकर, वतन की शान बन जाओ, वतन की जान बन जाओ। और एक गजल के चंद शेर बुलाए जा फरमाने साहब आपके, इंसानियत के नाश का सामान मत करो, वाह गजल का मतलब देखिए साहब के, इंसानियत के नाश का सामान मत करो, और कोई किसी के धर्म का अपमान मत करो, वाह वाह वाह, इंसानियत के नाश का सामान मत करो, कोई किसी के धर्म का अपमान मत करो, और दो दिन की जिंदगी है ए दोस्तों फकत, वाह दो दिन की जिंदगी है ए दोस्तों फकत, इसमें खराब आपका ईमान मत करो, इसमें खराब आपका ईमान मत करो, और सहने चमन में रौन को खुशबू इन्हीं से है, वाह शेर मुलायजा फरमाए साहब के, सहने चमन में रौन को खुशबू इन्हीं से है, कलियों को आप तोड़ के बेजान मत करो, कलियों को आप तोड़ के बेजान मत करो। और शेर जी के साहब के, कोशिश करो कि खिलते रहे फूल हर तरफ, वाह वाह वाह, कोशिश करो कि खिलते रहे फूल हर तरफ, मेरे चमन को दोस्तों वीरान मत करो, मेरे चमन को दोस्तों वीरान मत करो, और राही इसी का नाम है इंसानियत फकत, दुनिया में तुम किसी को परेशान मत करो, दुनिया में तुम किसी को परेशान मत करो। लाजवाब आपने आप तक पहुंचाई। इनके सम्मान में चार पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शायर था फकत अल्फाजों से उलझता रहा, कि मैं शायर था फकत अल्फाजों से उलझता रहा, दर्द को बना के स्याही कागजों पर लिखता रहा, जिंदगी के एहसासों को रोकना मेरे वश में नहीं, फकत इसलिए दुनिया को मैं बागी दिखता रहा, फकत इसलिए दुनिया को मैं बागी दिखता रहा। और सर्वधर्म संभाव की बात आपने कही, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी है ये प्यार की गंगा रहने दे, कि अच्छी है ये प्यार की गंगा रहने दे, क्यों करता है देश में दंगा रहने दे, हरे केसरिया रंग में मुझको मत बांट, हरे केसरिया रंग में मुझको मत बांट, मेरे छत पर केवल एक तिरंगा रहने दे, मेरी छत पर केवल एक तिरंगा रहने दे। बहुत बहुत आभार आदरणीय राही साहब का, जिन्होंने बेहतरीन काव्य पाठ किया, उर्दू के अदब शायर